लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल्स लॉस होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए डाइट पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो इसका असर आपके वजन पर सबसे पहले पड़ता है। वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी पॉपुलर डाइट में से एक है। इसमें कई घंटों के अंतराल में मील लेना होता है, जिससे शरीर को कैलोरी बर्न करने का अधिक समय मिल जाता है। इससे वजन तेजी से घटता है और कई लोगों का मानना है कि लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से मसल्स लॉस होने लगता है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल्स लॉस होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल्स लॉस नहीं होता है। ये शरीर में बड़ी अत्यधिक चर्बी पिघलाकर तेजी से वजन घटाने में मदद करता है। ये मसल्स फैट लॉस में मदद करता है, लेकिन लंबे समय से भी इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। जाने इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके शरीर के लिए कैसे फायदेमंद होता है। तो सबसे बड़ा फायदा होता है, आपके पाचन तंत्र स्वस्थ बनाए रखता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से पाचन से जुड़ी समस्याएं भी ठीक होती हैं। दरअसल जब आप लंबे समय तक उपवास यानी कि फास्ट रखते हैं तो आपका शरीर सूखने वाली मुद्राओं में प्रवेश कर जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भोजन को पचाने में आपके पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये उस स्थिति में होता है जब आपका शरीर फैट बर्न कर रहा होता है। चूंकि इसका इंसुलिन लेवल कम होता है, ये फैट पहुंच से बाहर होता है, विशेषकर उस स्थिति में जब आपने खाना खाया हुआ होता है और खाना अवशोषित हो रहा होता है। कैंसर से बचाव में असरदार है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपके खाने की आदतों में बदलाव नहीं करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसलिए आपके मन में किसी प्रकार की भावना नहीं आती है कि आपने कुछ छोड़ दिया है। इस डाइट प्लान में आपको एक सटीक समय दिया जाता है जिसमें आप जो चाहें वो खा सकते हैं, जिसमें यह बात कही गई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर के खतरे को कम करता है और जीवन काल को बढ़ाता है। बॉडी डिटॉक्स में मददगार है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बॉडी को जब डिटॉक्स होने में मदद मिलती है, इससे शरीर में जमा सारी गंदगी निकल जाती है और ये शरीर के अंग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। इसलिए इसका कारण यह है कि जब हम 16 से 18 घंटे तक भूखे रहते हैं तो आपके पाचन तंत्र और शरीर के दूसरे अंगों को आराम करने का समय मिलता है। इसके अलावा फास्टिंग के दौरान आप सिर्फ पानी या तरल चीज पीते हैं, जिससे पेशाब के सहारे आपके शरीर में जमा गंदगी बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।